एनसीपी में बगावत का बिगुल फूंक चुके अजीत पवार 31 महीने में तीसरी दफा और ओवरऑल पांचवी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। अपने चाचा शरद पवार को अंधेरे में रखते हुए अजीत पवार ने एनसीपी के 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन दिया। महाराष्ट्र की सियासत में हुए इस उलटफेर के बाद सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार घर वापसी करेंगे? क्या इस कदम से आने वाले दिनों में उनकी राह आसान हो जाएगी? दरअसल अजीत पवार के बागी तेवर कोई पहली बार नहीं है। साल 2019 में भी अजीत पवार ने सबको चौंकाते हुए सुबह सवेरे बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि शरद पवार की सूझबूझ और राजनीतिक कौशल के बूते भतीजे अजीत की बगावत को 48 घंटे के भीतर विफल कर दिया गया था। ऐसे में शरद पवार के समर्थक उनसे इसी तरह के करिश्माई और गेम चेंजर भूमिका की आस लगाए बैठे हैं। मगर इस बार अजीत पवार का अंदाज जुदा जुदा सा लग रहा है। अजीत पवार की बगावत अपने अगले दौर में पहुंच गई है। दोनों पवारों के गुटों में खेमेबंदी जारी है। शरद पवार और अजीत खेमे में अब पार्टी के नाम और सिंबल पर जुबानी जंग छिड़ गई है। शरद पवार और अजीत पवार दोनों एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत कैंप के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सिर्फ विधानसभा स्पीकर के पास है। अटकलें हैं कि जल्द ही चाचा और भतीजे की पार्टी पर दावेदारी की खींचतान चुनाव आयोग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच सकती है। शरद पवार ने भतीजे संग पार्टी को दगा देने वाले सभी 8 विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की है। बदले में अजीत कैंप ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से जयंत पाटिल को हटाकर अपने खेमे के सुनील तटकरे को जिम्मेदारी सौंपी है। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से एनसीपी के 53 विधायक जीते थे, जिसमें से अब अजीत पवार कैंप की ओर से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। सभी विधायकों का अजीत दादा के साथ समर्थन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 54 विधायक है, 3 विधायक अपक्ष थे और वो भी साथ में हैं। कुछ विधायक अभी तटस्थ भूमिका में हैं, फिर भी 40 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद खुद अजीत दादा राजभवन में गए और उसके बाद राजभवन में शपथ विधि समारोह वहाँ पे हुआ और अब अजीत दादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। 40 विधायकों का समर्थन होने के बाद ही ये गठबंधन हुआ है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला है कि एनसीपी सरकार का हिस्सा है या विपक्ष में है। अभी याचिका बिना पड़े हुए मैं आपको क्या बताऊं? याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना? जी सर, थैंक यू। विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकग्निशन सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है उसके साथ ही जो संवैधानिक प्राविधान है उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित। जहां एक ओर अजीत पवार ने साफ किया कि संख्या बल उनके साथ है, शरद पवार एनसीपी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एनडीए में शामिल होने के फैसले का समर्थन करें, मगर शरद पवार ने भी तेवर दिखाते हुए इशारों में कहा था कि पार्टी तोड़ने की कोशिश करने वालों को उनकी असली जगह दिखाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे में पिछली बार की तरह इस बार भी सुलह की कोई गुंजाइश बची है?